हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश पर्सनल व्लॉग्स। आज मैं ये एक आइटम मंगवाया हूँ जो अमेजन से, मेरा रॉयल एनफील्ड मीटर 350 व्हीकल के लिए, बाइक के लिए। ये मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, ये है रेयर ब्रेक ऑयल कंटेनर गार्ड मीटर 350। ये मैंने अमेजन से मंगवाया। ये अभी इसका ओपन करके मैं आपका आइटम रिव्यू भी बताऊंगा, और उसके बाद मैं अभी गाड़ी में भी फिट करके मैं बताऊंगा आपको कैसे रहता है। देखिए, ये है, ये मैं ये अराउंड 614 रुपीज़ का मैंने अमेजान से मंगवाया। ये एक्चुअली ये है ब्रेक ऑयल कंटेनर है, बाइक में फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड रेयर का दोनों का ब्रेक होता है, तो उसके लिए ब्रेक ऑयल कंटेनर होता है। तो वो ब्रेक ऑयल से वो काम करता है, तो वो ब्रेक ऑयल का कंटेनर होता है, वो प्लास्टिक का रहता है, तो उसको सिक्योर करना जरूरी है, नहीं तो कभी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई पत्थर उड़ के गिर जाता है तो उसको डैमेज होने के चांस रहते हैं। उसके लिए ये सिक्योर दिया हुआ है, ये प्रोटेक्शन गार्ड। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे होता है। देखिए इसमें, ये देखिए, ये है, अभी इसको मैं दिखाऊंगा कट करके। और इसको ये जैसे अभी मीटर 350 के जो है ना, बहुत सारे एक्सेसरीज आ रहे हैं, तो अभी वो एक्सेसरीज को आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं अमेजान से। जैसे आपको फ्रंट ब्रेक फ्लूइड का जो गार्ड है वो भी है, और रेयर ब्रेक फ्लूइड ब्रेक ऑयल कंटेनर का गार्ड है, ये तो ब्रेक ऑयल कंटेनर का गार्ड है। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं, देखिए ये अभी इसका, देखिए ये कंटेनर है, देखिए इसके ऊपर ब्रांडिंग है, मीटर 350 करके ब्रांडिंग है, और ये एक सिंबल है। देखिए ये मेटल अच्छा है, बहुत मजबूत वाला है। अभी इसको मैं, अभी ये कहाँ लगाता है लगता है मैं अभी आपको बाइक में लगा के दिखाऊंगा। चलिए अभी बाइक में लगा गैस। ये देखिए, ये रेयर ब्रेक ऑयल कंटेनर है, ये रेयर ब्रेक है ना, ये ब्रेक से, ये ब्रेक सिलेंडर है, ये ब्रेक सिलेंडर से ये पाइप ये ऑयल से आता है, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये ऑयल जो है ब्रेक सिलेंडर से अप्लाई होके यहाँ से फिर ब्रेक के पास जाता है। तो ये ब्रेक ऑयल कंटेनर, ये देखिए, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, अगर ये अगर थोड़ा भी डैमेज हो गया, क्रैक हो गया, या कुछ पत्थर की कुछ लग गया, तो ये ऑयल लीक हो जाएगा और ब्रेक काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और ऐसे भी ये ये कैप भी जो है ईजिली रिमूवेबल होता है, इसलिए कभी कभी चांसेस रहता है कि कैप भी डैमेज होने का, नहीं तो कभी अगर आप फिर टॉप अप कर दिया और ठीक से फिट नहीं किया तो गिरने के चांस रहता है। ये सबसे बचाने के लिए ये मैंने ये मंगवाया था गार्ड। इसमें कुछ नहीं करना, ये एक ये नट, ये बोल्ट, ये खोलना है, ये खोल के इसमें फिट कर देना है। ये देखो ऐसा लगेगा इसके, अगर आप अभी मैं फिट करके भी आपको दिखाऊंगा, अगर आपको फिट करने के बाद ये देखिए ऐसा रहेगा, जब ऐसा प्रोटेक्शन रहेगा तो ये प्लास्टिक को डैमेज होने के चांस नहीं है। तो बस इसी के लिए ये अभी मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा। देखिए गाइस, देखिए कि ऐसा खोलना है इसमें से, अभी देखिए ये ऐसा लूज़ करते रहना है, देखिए मैंने लूज़ कर दिया, और फिर हाँ ऐसे देखिए अब ये ओपन हो गया, देखिए कंटेनर ओपन हो गया। अभी मुझे क्या करना है इसका, ये देखिए ये ऐसे फिट करना है, देखिए ये लगा के इसके अंदर ऐसे ये लगाना है और इसमें से फिट करना है। अभी आपको इसके अंदर पहले देगा ऐसे, पहले हैंड टाइट कर लीजिएगा फिट करके, उसके बाद में अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी फिट कर, अभी फिट कर रहा हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं अभी फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। गैस देखिए, अभी ये टाइट कर रहा हूँ मैं, अभी ये टाइट करके, फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने टाइट कर दिया, अभी फाइनल टाइट कर रहा हूँ, अभी ये टाइट हो गया। अब देखिए इधर देखिए, मीटर 350 का ब्रांड है, अभी अगर ऊपर से देखोगे कैसे, और ये देखिए
अब क्या है, कोई अगर कोई पत्थर या कोई बाहर से कोई अगर वो करेगा तो ब्रेक फ्लूइड कंटेनर जो है वो सेफ हो गया, इस वजह से ये अभी सेफ रहेगा। देखिए ऐसे दूर से देखिए कैसा लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है ये, देखिए गाइस देखिए ये वाला बहुत ज़रूरी है, ऑफ रोडिंग में काम आता है। अगर मान लीजिए ऑफ रोडिंग में अगर कोई गलती से गाड़ी गिर जाती है तो उस टाइम में अगर ये कंटेनर डैमेज हो जाएगा तो अगर ऑयल लीक हो जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा, ब्रेक काम नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको, अगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसमें ज़रूर लगाएं, ताकि अगर आपको कभी भी अगर गलती से भी अगर गाड़ी गिर जाएगी या नहीं तो कुछ डैमेज हो जाएगा तो ये ब्रेक फेल हो जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। अगर ये प्रोटेक्शन रहेगा तो कम से कम ये ब्रेक लीक तो नहीं होगा, कंटेनर डैमेज नहीं होगा और ये लीक नहीं होगा, तो कम से कम ब्रेक तो काम करेगा। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये ज़रूर लगवाइए, खास करके ऑफ रोडिंग में ये बहुत काम आएगा। अगर रफ रोड्स में, खराब रोड में अगर डैमेज होने से बच जाएगा, ब्रेक फेल होने से बच जाएगा। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए, और इसका कॉस्ट जो है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है ये, अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।